हेलरेजर ये कोई छोटी फ्रेंचाइज नहीं है। अरे सच में नहीं है, इसके टोटल 10 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें से फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दूं तो बाकी सभी एवरेज थे और कुछ बहुत ही बुरे। वहीं बात करूं इस फिल्म की तो ये एक रिबूट है जिसे आप देख सकते हो या फिर नहीं भी। चलिए अब सीधा उसी पर आते हैं। फिल्म का स्टार्ट स्लो है, एक्चुअली काफी स्लो है, जो एक अच्छा खासा टाइम लेती है अपने मेन फोकस पर आने पर। सीधा सीधा कहूँ तो फिल्म का लास्ट एक घंटा देखने लायक था और हम पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं जिसे देख मजा आया। पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि फिल्म बिल्डअप के लिए टाइम लेती है और कैरेक्टर्स के लिए भी, जिन पर आगे बात करेंगे। क्योंकि पहले बात करूं कहानी की तो कहानी फॉलो करती है राइली को, जो पहले से ही नशे की लत से जूझ रही है और ऊपर से एशियन पजल बॉक्स जिसके वो कब्जे में आ जाती है। पर उसे नहीं पता कि इससे क्या होता है और क्या नहीं, वो जानने के लिए आपको भी इस फिल्म को देखना होगा। फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग थी सच में, क्योंकि इस बार राइटिंग पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है जो कि मुझे पसंद आई, और कुछ हद तक प्रेजेंटेशन भी, क्योंकि फिल्म में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज बहुत ही अच्छे से किया गया है। जस्ट सैनोबाइट्स का लुक अच्छा था, तो वहीं फिल्म में वो सब कुछ था कुछ हद तक जो एक हेलरेजर फिल्म में होना चाहिए था, जिसके चलते कई सारे लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी नो डाउट। पर जिन्होंने पिछली फिल्में देखी है उन्हें ये फिल्म कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करेगी, जैसे मैं। फिल्म को लेकर कोशिश अच्छी की गई है, इसमें कोई शक नहीं, बट जिस तरीके से चीजों को दिखाना था, आई मीन ब्लड और किलिंग सीन्स को, वो जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म दिखा दी है पर उस लेवल पर नहीं। बाकी फिल्म को डायरेक्ट किया है डेविड ब्रुकनर ने, जिनका डायरेक्शन अच्छा है, जिन्होंने दी रिचुअल और दी नाइट हाउस बनाई थी, जिसकी याद भी ये फिल्म कहीं ना कहीं दिलाती है अपने कुछ सीन्स में। वही एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, जिसमें इस बार पिनहेड को फीमेल कर दिया गया है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जेमी क्लेटन की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है। वही मेन लीड ऑडिशा एजन की भी, बाकी जिस वजह से ये फिल्म पिछले सभी के सभी पार्ट से बेटर है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट जो कि इस फिल्म में थी। क्योंकि पिछले जितने भी पार्ट थे उनमें ना ही हम कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाते और ना ही उनके लिए बुरा लगता, बट इस फिल्म में राइली के कैरेक्टर को लेकर काफी कुछ देखने मिला है। पर हाँ ये भी सच है कि बाकी सभी के सभी कैरेक्टर्स ठीक ठाक हैं और एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी। बाकी प्रोडक्शन डिजाइन तो अच्छा है ही, वहीं बीजीएम भी अच्छा है और एडिटिंग भी, क्योंकि लेंथ फील नहीं होती और अगर फील होती है तो वो सिर्फ स्टार्ट में, जिसे लेकर मैं आपको पहले ही डिटेल्स दे चुका हूँ। तो ओवरऑल में नज़्बे हेलरेजर एक काफी अच्छी फिल्म है क्योंकि कोशिश अच्छी की गई है, जिसे आप चाहो तो एक बार देख सकते हो पर फैमिली के साथ नहीं, जिसे ध्यान में रखते हुए मैं इसे दूंगा 3.5 स्टार्स। तो गाइज ये था हेलरेजर को लेकर मेरा रिव्यू, जिसे अगर आपने देख लिया है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू, जो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।